बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला सबकी जुबान पर। हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। तेहरान में हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल कुरीला शनिवार को मध्यपूर्व पहुंचे। इसके बाद अमेरिका और इजरायली अधिकारियों ने संकेत दिया है कि सोमवार को इजरायल पर ईरानी हमला हो सकता है। ईरानी प्रतिशोध की धमकी ने अमेरिका को उस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। पेंटागन ने मध्यपूर्व में एक लड़ाकू जेट रिस्क्वाइन की तैनाती और एक विमान का ऐलान किया। अमेरिका और ब्रिटिश दोनों सरकारों ने संभावित तनाव की आशंका के चलते अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह दी है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि एक छोटी दूरी के प्रोजेक्टाइल से हानिया की मौत हुई और अमेरिका द्वारा समर्थित इसराइल पर हमले का अंजाम देने का आरोप लगाया। गार्ड के बयान में कहा गया, ये कार्रवाई जायोनी शासन द्वारा डिजाइन और संचालित की गई थी और अमेरिका द्वारा समर्थित थी। इसमें कहा गया है कि आतंकवादी जायोनी शासन को उचित समय, स्थान और क्षमता में कठोर दंड मिलेगा। साथ ही ईरान ने शनिवार को कहा था कि उसे उम्मीद है कि हिजबुल्ला इसराइल के अंदर तक हमला करेगा और अब सैन्य लक्ष्यों तक ही सीमित नहीं रहेगा। इस बीच मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया के नेतृत्व में एक इजरायली प्रतिनिधि मंडल ने मिस्र के खुफिया अधिकारियों के साथ चर्चा के लिए काहिरा की एक संक्षिप्त यात्रा की। वहीं तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर चल रहे विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से संघर्ष विराम पर विचार करने का आग्रह किया था।